जिले के कसरावत थाना अंतर्गत ग्राम खमलाय में शासकीय चन्नोई की भूमि पर काटी गई कॉलोनी में स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी कार्यवाही की गई है। कसरावत SDM अग्रिम कुमार और मंडलेश्वर SDOP मनोहर सिंह गवली द्वारा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में JCB की मदद से 2 मंजिले पक्के मकानों को ढहाने की कार्यवाही की गई, जहां पल भर में मकान जमींदोज होते दिखाई दिए। इस कॉलोनी में अवैध तरीके से शरीफ नाम के व्यक्ति द्वारा शासकीय भूमि पर बनाए गए 2 मंजिला पक्के मकान को गिराया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को जन सुनवाई में शिकायत के बाद 27 मार्च को कसरावत SDM अग्रिम कुमार ने कसरावत के नायब तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कुल 5 मकानों पर कार्यवाही की गई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। अवैध अतिक्रमण को लेकर कितने मकानों पर कार्रवाई? अवैध अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर 6 अतिक्रमण थे, 4 मकान थे, एक टीन शेड था और एक खाली जगह थी, जिसको विधिवत आदेश किया जाकर नोटिस दिया जाकर हटाया गया। कलेक्टर महोदय के निर्देश में तथा SDM महोदय के नेतृत्व में इसकी कार्रवाई की गई। SDOP महोदय और EI महोदय के यहाँ प्रशासन का सामना करना पड़ा क्या? नहीं, किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से? शांतिपूर्ण तरीके व्यवस्था तो दुरुस्त हुई। मौके पर पुलिस का बहुत सहयोग मिला, पुलिस सहायता से काम आसानी से हो गया। तहसीलदार कसरावत के द्वारा सुपल गोन में अवैध अतिक्रमण शासकीय जमीन पर किया गया था, उसको लेकर पुलिस बल की बात की गई। चालू एकता की दृष्टि से जहाँ पर जो है कसरावत द्वारा और मंडलेश्वर का पुलिस बल जो है सुरक्षा, महिला पुलिस बल भी पर्याप्त मात्रा में, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई प्रशासन को कोई परेशानी नहीं हुई या कोई विरोध का सामना हुआ? नहीं, ऐसा कोई विरोध का सामना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।